हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख करके पता कर ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना कितना सही होगा आपके लिए और कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हो तो। प्राइवेट इंडस्ट्री में कौन सी प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट में कौन सी प्रॉब्लम आती है, इसके साथ ही साथ ऐसा क्या होता है कि 10th के बाद जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक करते हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है पॉलिटेक्निक को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम उनके पास आती है, एक एक करके आपसे सारी की सारी बातों को करेंगे। मैं आपको बताऊं कि अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हो ना, तो जब आप उसमें एंट्री लेते हो, जब आप उस कोर्स को करते हो, तो उसमें जो है कुछ 11th और 12th की चीजें ऐड होती चली जाती हैं। कहने का मतलब है कि अभी तक जो है आपने सिर्फ साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है, लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक में आते हो तो आपको जो अलग अलग सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं और ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी वो 11th और 12th की होती है, यानी इंटरमीडिएट की होती है। अब आपके पास समझना ये है कि जिस 11th और 12th की चीज़ों को आप 2 साल में पढ़ते हो वो डिप्लोमा में आपको मात्र 2 सेमेस्टर में, यानी एक ही साल में आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स 10th करके आता है ना, उसके लिए थोड़ा सा ये कोर्स आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी स्टूडेंट्स मेहनत करेगा और जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनको हम देखते हैं कि वो इंटरमीडिएट वालों से भी ज़्यादा नंबर लाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि इस कोर्स की वैल्यूएशन तो है और अगर आपने इसके साथ ही साथ मेहनत करी तो आप जो है 100% अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर चाहे आप लोगों का गवर्नमेंट सेक्टर हो, फिर चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों सेक्टर में आपके पास जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, घबराने की बात दोस्तों इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास पूरा भरपूर अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आप 10th के बाद से डिप्लोमा कर रहे हो तो अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हो तो वहां भी आपको ग्रो करने के लिए पूरा मौका मिलेगा, पूरा टाइम आपके पास सरप्लस होता है जिसमें आप जो है अपने आप को ग्रो कर सकते हो। सेकेंडरी चीजें ये होती हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो आपके पास तैयारी का पूरा भरपूर मौका होता है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स 11th और 12th के बाद इस कोर्स को करते हैं जनरली वो मैक्सिमम लोग तैयारी नहीं करते हैं, सारे के सारे लोग या तो हायर एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं या फिर वो जो है किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने 10th के बाद से इस कोर्स को किया तो मैक्सिमम तौर पे मैं आपको बताऊं तो आप सक्सेस हो जाते हो। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सबसे पहले मैं इस बात को देख लेता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात और सबसे पहले मेजर प्रॉब्लम की तरफ अगर आप चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो आपका 12th का कोर्स है जो कि आप देखते हो, इस 12th के कोर्स को आप जो है 2 ईयर में कंप्लीट करते हो। ठीक है, इस 12th के कोर्स को 2 ईयर में कंप्लीट करते हो, यानी सेम कोर्स आपका अगर डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है आपका तो मात्र व मात्र जो है 1 साल में ही इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाता है। बट यहाँ पे अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, इस 1 साल अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यानी कि इस 1 साल के बाद रिमेनिंग के जो 2 ईयर में पढ़ाए जाएंगे वो सबको पढ़ना है, सबके लिए ये चीजें नया हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अब आपको पढ़ना होता है टेक्निकल सब्जेक्ट, तो टेक्निकल सब्जेक्ट तो आप लोगों के दोस्तों पढ़ाए नहीं जाते हैं 11th और 12th में, तो फिर अब बात बराबर हो जाती है। फिर अब आप चाहे हाई स्कूल करके आए या इंटरमीडिएट करके आए, आपके लिए दोनों बात बराबर हो जाती है क्योंकि अब आ चुका होता है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट की बारी। ठीक है, ये चीजें आपने देख लिया। अब आपको क्या समझना है, क्या चीजें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते, उनका माइंड इतना मैच्योर नहीं हो पाता कि वो चीजों को डिसाइड कर ले। तो अब जो सेकेंडरी चीजें दोस्तों आपके पास आती है, मैं आपको बताऊं क्या मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है अगर आप 10th के बाद से पॉलिटेक्निक करते हो ना। तो 10th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो तो आप चीज़ों को उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ रहे होते हो, जिसकी वजह से अगर आप जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और आपको जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में कंपेरेटिवली इंटर वाले स्टूडेंट्स के ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपके पास टाइम पूरा भरपूर होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो 10th के बाद से डिप्लोमा करते हैं अपने 18 साल के उम्र को भी कंप्लीट नहीं कर रहे होते हैं, 17-17.5 साल में ही ये स्टूडेंट्स अपने डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पे फंस जाते हैं ये स्टूडेंट इसलिए क्योंकि 18 वर्ष कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण वो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी काम नहीं कर सकते। ऐसी सभी जगहें जहां पे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम होता है वहां पे मिनिमम एज आपकी 18 रखी जाती है। अगर आप 18 से कम है, बिलो 18 है, तो आप जो है वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है।
सर्विस के एग्जाम की तैयारी के लिए कोई उम्र डिसाइड नहीं होती है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यह नहीं है कि 18 वर्ष के हो जाएंगे तभी आप तैयारी करेंगे, ठीक है। पढ़ाई की कोई न्यूनतम उम्र नहीं होती है, पढ़ाई की कोई अधिकतम उम्र नहीं होती, तो आप जो है आसानी के साथ इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आपके पास पूरा फुल टाइम होता है। जबकि 11, 12 वाले बच्चे थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं तो उनके साइंस और मैथमेटिक्स पे काफी कमांड हो जाता है, जिसके कारण टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी पकड़ना उनके लिए काफी आसान हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स बीच में ही छोड़ देते हैं। अब देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, जो स्टूडेंट्स अपना हौसला हार जाएगा और 5 सब्जेक्ट की लिस्ट को देख करके एक सेमेस्टर में और 5 सब्जेक्ट की लिस्ट को देख करके एक सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हार मान जाएगा वो निश्चित तौर पे अपने डिप्लोमा कोर्स को कदापि कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसी के कारण मैं आपको बताऊं कि 80-90% स्टूडेंट्स हार जाते हैं और कहा जाता है कि 10th के बाद डिप्लोमा मत करो। लेकिन डिप्लोमा में परसेंटेज उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर आप 10th के बेसिस से डिप्लोमा में आ रहे हैं और मिनिमम अगर आपने सब में पास हो, सारे विषयों में अगर आप पास हो, 20-22 नंबर भी लेकर के अगर आप पास हो, तो आप मान जाइए कि 70% से प्लस ही आपका स्कोर बनने वाला है, ठीक है। 70% से प्लस में ही आपका स्कोर बनेगा, ऐसा आपका मार्किंग स्कीम डिप्लोमा में होता है। तो मार्किंग जो है आप लोग की, चाहे आप 70% लेकर के आए, चाहे आप 85% लेकर के आए, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में आ रहे हो जॉब करने के लिए तो वहां पे परसेंटेज उतना अधिक मायने नहीं रखता। कई सारे इंडस्ट्री है जहां पे परसेंटेज बहुत अधिक दोस्तों मायने नहीं रखता है, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान देनी है। तो कम से कम अगर आप 10th के बाद से हैं तो कम से कम अपने हौसले को बरकरार रखिए और कोशिश करिए कि आप जो है अपने कोर्स को आसानी के साथ कंप्लीट कर पाए, क्योंकि जब आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपके सामने किसी प्रकार की दोस्तों प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और 12th वाले स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन दिक्कत उनके साथ कुछ नहीं होती, बस बात ये होती है कि उनकी एज भी काफी हो जाती है 12th के बाद से डिप्लोमा करने पे, क्योंकि 12th के इक्विवेलेंट डिग्री होती है आपकी डिप्लोमा की, ठीक है। कई सारी ऐसी गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है जिसमें कहा जाता है या तो आप 12th पास हो या फिर आप डिप्लोमा पास हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। और 12th के बाद से जो अपने 3 साल खर्च करते हैं स्टूडेंट्स, उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि इन 3 सालों में उनके पास किसी प्रकार के ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं होता, ठीक है। ओनली एंड ओनली आपके डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट होता है। जबकि 10th के बाद से जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर रहा है तो सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट तो इसको यही मिल गया कि 3 साल में एक टेक्निकल डिग्री मिल गई और उसको इंटरमीडिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब वो अपने इंटरमीडिएट की डिग्री के जगह पे अपने डिप्लोमा डिग्री को लगा देगा और उसके बेसिस पे वो चाहे तो कहीं से बीटेक भी कर सकता है और कहीं से चाहे तो अपने इंटर लेवल के गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी भी कर सकता है या फिर अपने प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आ सकता है। तो ये चीजें आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।